रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए इनकम टैक्स के रिफंड जो है वो रिलीज़ किए जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और ITR जो है प्रोसेस की जा रही है। इसके लिए आपने जो ईमेल आईडी दिया हुआ है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उस पर आपको इंटीमेशन भी भेजा जा रहा है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इंटीमेशन आप देख सकते हैं सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आपकी ईमेल पे आता है, जैसे ही रिटर्न जो है प्रोसेस कर दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इस बार से जो इंटीमेशन होगा वो हिंदी वर्जन में भी होगा और इंग्लिश वर्जन में भी होगा, तो आप ये इंटीमेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। इस इंटीमेशन को ओपन करने के लिए आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY फॉर्मेट में, जैसे कि किसी का डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 1984 है, तो पहले उसे अपना पैन नंबर एंटर करके स्मॉल लेटर में, फिर 02111984 एंटर करके इस फाइल को ओपन कर लेना है। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे हिंदी वर्जन देख सकते हैं जो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस की गई है इसकी, और यदि आप इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और इंग्लिश वर्जन चेक कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं, यहाँ पे आपने ITR कौन सी फाइल की थी, किस दिन फाइल की थी, किस दिन ये इंटीमेशन ऑर्डर आपको जारी किया गया है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, और इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट क्या थी और ड्यू डेट क्या है, एक्सटेंडेड डेट क्या है, वो भी यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो रिटर्न फाइल की थी उसमें क्या डिटेल भरी थी, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिटर्न प्रोसेस की गई है उसमें क्या डिटेल जो है उन्होंने प्रोसेस की है। यदि ये दोनों फिगर मैच करती हैं तो इसका मतलब है कि आपने जो ITR है वो बिल्कुल सही भरी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने जो सैलरी में इनकम भरी थी और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस की गई है वो यहाँ पे सेम आ रही है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम, और जो आपने डिडक्शन क्लेम की हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस कर दी गई हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, यहाँ पे व्यक्ति का TDS कटा था जिसका कि उसने रिफ़ंड क्लेम किया था ITR में, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रिफ़ंड है वो डिटरमिन कर दिया गया है, जितना टैक्स पेयर के द्वारा क्लेम किया गया था उतना ही रिफ़ंड दिया गया है, प्लस इसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया गया है जो है 180 रुपीज़, और जो टोटल इनकम टैक्स का रिफ़ंड है वो यहाँ पर आ रहा है नेट अमाउंट रिफंडेबल। तो यहाँ पे जो रिफ़ंड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया, यदि वो डिले से दिया जाता है तो उसमें इंटरेस्ट भी दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये रिफ़ंड आपको अभी तक मिला है या नहीं, इसके लिए आप TIN NSDL की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करके देख सकते हैं कि क्या आपको रिफ़ंड जो है बैंक में डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया गया है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी पूछनी है तो आप कॉल सेंटर पे जो है वो संपर्क कर सकते हैं 1-800-425-9760 पे। तो अपने रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए आप TIN NSDL.com की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे सबसी में जाएंगे और यहाँ पे स्टेटस ऑफ टैक्स रिफंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे रिफंड ट्रैकिंग पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप यहाँ पे टैक्स पेयर रिफंड यानी कि पैन के लिए यहाँ ऑप्शन दी गई है, प्रोसीड बटन पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और जो पैन नंबर है वो यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करके देख सकते हैं कि क्या आपका जो रिफ़ंड है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो फ्रेंड, जैसे ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न का इंटीमेशन मिल जाता है कि प्रोसेस हो गई है और आपका रिफ़ंड डिटर्मिन कर दिया गया है, तो उसके बाद आप 10 डेज़ के बाद जो है रिफ़ंड का स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या वो आपका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन आपके ईमेल आईडी पे आता है, तो आप ईमेल आईडी अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके, माई प्रोफाइल के अंतर्गत क्लिक करके। वहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल दी गई हैं कि क्या आप प्राइमरी ईमेल एड्रेस पे अपना ये कम्युनिकेशन चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, सेकेंडरी ईमेल आईडी पे, तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको कम्युनिकेशन भेजा जाता है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है।
यानी कि जिन व्यक्तियों का टैक्स ऑडिट नहीं होना है वो 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और जिन व्यक्तियों का टैक्स ऑडिट होना है वो 15 जनवरी 2022 तक टैक्स ऑडिट करवा सकते हैं, और उसके बाद अपनी ITR 15 फरवरी 2022 तक फाइल कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई गलती हो जाती है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए या आप ड्यू डेट के बाद फाइल करना चाहते हैं तो आप असेसमेंट ईयर 2021-22 की ITR 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, जिन व्यक्तियों का इनकम टैक्स का रिफंड है वो जितनी जल्दी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उतनी ही जल्दी उनका इनकम टैक्स का रिफंड जो है प्रोसेस हो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, इसलिए आप ITR को फाइल करने में डिले ना करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।